तो गाइस यार, पिछली वाली दो प्रिंटिंग वीडियोस को देख के आप में से काफी लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि भाई आप जो है करेंसी यानी कि पैसों को प्रिंट करके देखो और फिर देखो कि क्या होता है। तो गाइस यार, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं, उनकी प्रिंटिंग करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है और इसके लिए आपको बहुत ही बड़ी सजा भी हो सकती है। और वैसे भी यार, जो करेंसीज होती है, जो नोट होते हैं, उन्हें प्रिंट करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि यार इन्हें जो है बहुत ही बड़े लेवल पे हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ में प्रिंट किया जाता है। तो मतलब ऐसे ही आप जो करेंसी है उन्हें प्रिंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो है एक छोटा सा फन एक्सपेरिमेंट करके तो देख ही सकते हैं, जिसके अंदर हम सिंपली जो करेंसी है, जो नोट्स है, उनका जेरोक्स यानी कि उनकी फोटोकॉपी करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये रहे हमारे पास कुछ बैंक नोट्स, ये रहा 200 का, ये 500 का, ये 2000 का और ये 100 का। और ये वाले जो नोट्स हैं ये इंडिया के नहीं है, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत। ये जो है कुवैत की करेंसी है यानी कि दिनार है। इन्हें भी प्रिंट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले किससे ट्राई करें, सबसे पहले तो प्रिंटर चालू करते हैं, है ना। और इसके अंदर जो पेपर है ये नॉर्मल फोटोकॉपी पेपर है, A4 साइज वाले। राइट, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं अपन हमारे सबसे बड़े नोट 2000 को, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू वाला यही है, क्योंकि यार ये सच में बहुत बड़ा नोट है, बड़ा वैसे भी वैल्यू के अंदर भी। तो चलो नॉर्मली से स्कैन करते हैं, पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं ना। ऑलराइट गाइस, तो यार ये निकल गई हमारे 2000 के नोट की ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेरॉक्स। तो गाइस यार, एक चीज तो आप इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों नोटों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन एक चीज क्लियरली आप देख सकते हैं, जो नोट के ऊपर मैल लगा हुआ है यानी कि जो गंदगी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी के अंदर आसानी से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इनके जो किनारे हैं इसके ऊपर कितनी ज्यादा गंदगी लगी हुई है। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक अजीब सा जो कलर है ना, ये सारी गंदगी लगी हुई है देखो। वैसे ओरिजिनल के अंदर आपको इतना पता भी नहीं पड़ रहा होगा और अपन इतना गौर भी नहीं करते कि हमारा जो नोट है वो कितना गंदा है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलो इस बार जो है कलर ज़ेरॉक्स निकाल के देखते हैं। ऑलराइट, किधर की साइड का निकाले, इधर की साइड का निकालते हैं ना इस बार कलर। ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। देखते हैं क्या आता है। राइट गाइस, तो प्रिंट के अंदर क्या आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जो है जो बाहर की कंट्री है उसकी जो करेंसी है उन्हें प्रिंट करके देखते हैं। तो गाइस यार, ये है कुवैत की करेंसी, आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत। तो चलो पहले इसे प्रिंट करके देखते हैं, हमारे 2000 के नोट को साइड में रख देते हैं और इसे प्रिंट करके देखते हैं। राइट गाइस, तो कुछ इस तरीके का प्रिंट आया एक दिनार का। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। बाकी यार ये कहीं से भी मेरे को करेंसी या फिर पैसे नहीं लग रहे, मतलब यार काफ़ी अजीब सी करेंसी है। देखो कितना अजीब सा नोट है इनकी, मतलब इनकी जो करेंसी है उसका देखो इस साइड से ऐसा है और पकड़ने में भी मतलब ऐसा लगता है कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है या फिर ऐसा कुछ। बाकी यार देखो, एक चीज़ तो है कि मतलब कि जो प्रिंट है वो बिल्कुल देखने में सेम आया देखो दोनों का। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे 2000 के नोट का जो ज़ेरॉक्स है वो किस तरीके का आया। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो साइज है, जो हमने ज़ेरॉक्स निकाला है उसका और हमारा जो ओरिजिनल नोट है उसका जो साइज है वो बिल्कुल
एक जैसा है। लेकिन गाइज एक डिफरेंस यहाँ पर पता चलता है नॉर्मल आंखों से देखने पर, आप कैमरे में भी देख सकते हैं कि जो ये जो कलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भरे भरे कलर हैं, लेकिन जो निकाला है जो स्कैन अपन ने करके ये निकाला है ये जो है काफ़ी हल्के कलर्स हैं, मतलब कि काफ़ी मतलब नॉर्मल कलर्स, और दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको आसानी से पता पड़ रहा है। लेकिन गाइज इससे भी अलग बात यह है कि इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। भले देखने में आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हो लेकिन जब आप इसे टच करते हैं तो 1% भी जो नोट वाली फीलिंग है वो नहीं आती है। साथ ही साथ अगर ये गीला हो जाए तो इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन ये गीला होता है इसकी जो इंक है, यानी कि हल्का सा भी नमी के अंदर इसकी जो इंक है ये फैलने लग जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसकी जो सच्चाई है लाइट के सामने रखते ही पता चल जाती है। आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो क्लियरली इसके आर पार जा रही है और ये कहीं से भी नोट जैसा दिखाई नहीं दे रहा। और अब देखिए आप ओरिजिनल नोट को, ओरिजिनल नोट को जब अपन लाइट के सामने लेके जाते हैं तो इसके अंदर की जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RBI लिखा हुआ है जो कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटी थ्रेड है ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है और इसके अंदर जो RBI लिखा हुआ है वो भी काफ़ी आसानी से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2000 लिखा हुआ है ये भी हम क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो गांधी जी हैं वो भी हमें लाइट के सामने रखने पर ओरिजिनल नोट के अंदर आसानी से दिखाई देते हैं, और जो इसका टेक्सचर है वो भी काफी इससे अलग है। यहां पे भी एक सिक्योरिटी फीचर होता है जहां पर हाथ फेरने पे हमें असली और नकली के अंदर फर्क पता पड़ जाता है, जबकि जो हमने जो फोटोकॉपी निकाली है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये जो प्रिंटर है काफी पुराना है, इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो अभी के प्रिंटर्स हैं उनकी क्वालिटी तो काफी अच्छी होती है, लेकिन उनकी मदद से आप ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर एक सेंसर होता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि आप ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं या फिर जो करेंसी है उन्हें प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो आपका प्रिंटर है वो रुक जाता है और कोई भी प्रिंट नहीं रहता है। आप एडोब फोटोशॉप से भी मतलब अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे नोट के अंदर यहाँ पर जो है कुछ सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि प्रिंटर को ये बताते हैं कि भाई ये गलत काम हो रहा है, ऐसा मत होने दो, तो वो जो है आगे प्रिंट नहीं देगा। बाकी चलो एक बार जो है इन तीनों नोटों का भी मतलब जेरोक्स निकाल के देख लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। ये रही हमारे 100 के नोट का जो फोटोकॉपी है वो, अब ट्राई कर लेते हैं 500 के नोट को। और गाइस यार हमारी जो करेंसी होती है उनके अंदर और भी कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो गांधी जी का ये जो चश्मा है यहाँ पर भी RBI लिखा होता है और वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि उसे आप जो है मैग्नीफायर ग्लास की मदद से भी नहीं देख सकते हैं, वो इतना छोटा होता है। यहाँ पर लिखा होता है RBI जो कि सच में बहुत छोटा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इंक है मतलब यहाँ पे या फिर कहीं पे ऐसी इंक होती है जो कि यूवी लाइट के अंदर अलग से ग्लो करती है। साथ ही साथ यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो अलग दिखेगा, इस तरफ से देखेंगे तो अलग कलर दिखाई देगा, और भी कई सारे करीब करीब 9 से 10 सिक्योरिटी फीचर्स हमारी जो करेंसी है उनके अंदर होते हैं। अलग अलग नोटों के अंदर अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हैं कि जो 500 का नोट है उसका जो जेरोक्स है वो तो बिल्कुल ही भद्दा आया है, इसने ये जो बॉर्डर्स हैं उसको जो है इस कलर के साथ में एक जैसा कर दिया है, तो मतलब ये तो बिल्कुल ही डल है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फोटोकॉपी है ये तो बिल्कुल भी मतलब नोट जैसा दिखाई नहीं देता है, ऐसा लग रहा है जैसे बस नॉर्मल वही फोटोकॉपी किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। तो गाइस ये लास्ट वाला 200 का बचा है, इसे भी करके देख लेते हैं एक बारी। तो गाइस आप शुरुआत में ही देख सकते हैं कि जो 200 का नोट है उसकी जो बॉर्डर्स है वो तो पूरी ही इस प्रिंटर के अंदर गायब हो चुकी है। देखो यहाँ से पूरा ब्लैंक हो गया, यहाँ से भी पूरा ब्लैंक हो गया, इधर से थोड़ा सा है बाकी इधर से भी पूरा ब्लैंक हो गया, और इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है देखो। तो गाइस यार ये होता है जब हम जो करेंसी है उसकी जेरोक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर जो है एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पर भी आप बड़े नोट ले यानी कि बड़ी करेंसी ले तो उसे हमेशा चेक करके देख कर ले। गाइस यार असली और नकली के अंदर फर्क करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस जरूरत है आपको सतर्क रहने की। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे धोखाधड़ी कर रहा है या फिर किसी ने आपको जाली नोट दिया है तो उसी वक्त जो है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस को इस बारे में इत्तला करें, आगे का काम वो संभाल लेगी। और गाइस यार ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए और आप जो है ऐसा कुछ भी कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने ये जो जेरोक्स निकाले हैं इन्हें फाड़ देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सेफ रहिए।